हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया स्मार्टफोन का रिव्यू लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Vivo V20 Pro के बारे में। तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसमें खास बात, तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में आपको मिल जाता है 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि एमोलेड डिस्प्ले होता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और काफ़ी अच्छी बैटरी चलेगी इससे। अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज में आपको 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। दोस्तों, एक बात का खेद है कि इसमें आपको एक्सपेंडेबल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा से स्लॉट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो कैमरा में आपको 64MP का रियर कैमरा मिल जाएगा, प्लस 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, प्लस 5MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। और दोस्तों, फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरे में क्या कमाल किया है या वीवो वालों ने, यहाँ पर आपको दो कैमरा दिए हैं। 2 कैमरा है जिसमें 44MP प्लस 8MP। 44MP का ये है, इसमें आई ऑटो फोकस कैमरा है 44MP का, जो 8MP का कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो काफ़ी अच्छी बात होने वाली, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है हमारा ये कैमरा। स्पेशली मुझे इस फ़ोन का कैमरा बहुत ही अच्छा लगा, पर्सनली कहूँ तो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी में आपको मिल जाता है 4000mAh की बैटरी मिल जाती है। अब चार्जिंग की बात करें तो इसमें चार्जिंग में आपको टाइप सी का केबल मिल जाता है विद 33V फास्ट चार्जर के साथ मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं सिम स्लॉट के बारे में। तो इसमें आपको ड्यूअल सिम कार्ड मिल जाता है 5G प्लस 4G। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन 5G है, तो 5G अगले 2-3 सालों में आ ही जाएगा, तो आप चाहो तो अभी ले सकते हो इस फोन को, काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं OS के बारे में। दोस्तों, वैसे तो OS में आपको Android 10 बेस मिल रहा है, जब आप फ़ोन खरीदोगे तो आपको Android 10 मिलेगा। जैसे कंपनी से न्यू अपडेट आता है तो Android 11 में आपका अपग्रेड हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, प्रोसेसर में तो इसमें कमाल कर दिया है। प्रोसेसर में आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक सेंसर में आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये फ़ोन अगर आप परचेस करना चाहोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।